तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेम के थ्रू प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, फिर सब एरियल स्टेम के बारे में बात किया। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका जो तीसरा टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड द एरियल स्टेम। एरियल स्टेम की बात करेंगे। तो एरियल का मतलब क्या होगा? अब तो ये एरियल हवा में हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वो क्या है? शुगर केन। अब देखिए, शुगर केन का अगर कभी प्लांट देखे होंगे तो क्या देखे होंगे कि इस तरीके से ये सॉइल सरफेस से बाहर जब इसका स्टेम आता है तो क्या देखते होंगे कि नोड्स, जो इसका सबसे लोअर नोड्स होता है, उससे कुछ रूट्स निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रूट्स हो गया? ये हो गया प्रॉपर एडवेंटिस एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिशियस रूट हो गया, ठीक है। और ये तो हमारा क्या है? नोड्स है। तो इस नोड से, अच्छा, इसको अगर और भी एडवेंटिशियस रूट में भी अगर हम लोग बात करें कि ये कौन सा रूट है, तो इसको हम लोग और अगर वेल डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग पढ़े थे स्टिल्ट रूट, पढ़े थे, याद कुछ है? हाँ, तो ये स्टिल्ट रूट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एडवेंटिशियस रूट की ही बात करते हैं। तो ये जो नोड्स है, नोड्स के पास देखे उनके एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग बड बोलते हैं। तो ये देखिए, ये स्टेम है, स्टेम की प्रॉपर्टी नोड्स और इंटर नोड्स है, और वहां से जो बड निकला हुआ है, वहां से जो बड निकला हुआ है, ये बड क्या करेगा? ये हमको एक न्यू प्लांट्स में डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेम जो कि एरियल, ये हवा में है, बाहर है, लैंड सरफेस से बाहर में है, और वहां पर से एक बड ग्रो कर रहा है जो एक न्यू प्लांट्स पे जन्म देगा। तो ऐसे स्टेम को हम लोग क्या बोल दिए? एरियल स्टेम बोल दिए। अगर इसी शुगर केन को, जैसे यहाँ पर भी बड इस तरीके से निकला हुआ है, यहाँ भी निकला हुआ रहेगा, यहाँ भी निकला हुआ रहेगा, तो हम लोग को अगर इसको कटिंग करके, अगर पीसेस में करके, अगर जैसे ये शुगर केन है, ये बड है, ये नोट्स है, और यहाँ पर इस तरीके से निकला हुआ है बड, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इस तरीके से पीस कर देंगे, ठीक है। और पीसेस को हम लोग लैंड में लगा देंगे, हर एक बड हमको एक न्यू प्लांट्स जन्म दे देगा, न्यू प्लांट्स बन जाएगा। तो इस तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एरियल स्टेम में देखने को मिला। जो उसमें एसेक्सुअल में जो सबसे लास्ट का एक मेथड था, जिसको स्टेम की ही बात कर रहे हैं, स्टेम में जो बात कर रहे हैं उसमें एक हम लोग बात किए थे बल्बिल। अब ये बल्बिल कहाँ पर, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है अगेव, अगेव प्लांट में। तो ये प्लांट में कैसा है? जैसे ये प्लांट है, इस तरीके से प्लांट निकला हुआ है, इस तरीके से प्लांट है। तो इसमें क्या है कि इसके स्टेम के पास में ही, नोड्स के पास में ही एक बड इस तरीके से निकला हुआ रहेगा, ये फ्लेशी बड रहेगा, फ्लेशी बड। और ये बड जब टूटकर लैंड सरफेस पर आकर जुड़ जाएगा तो फिर दैट विल गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड द बल्ब। ये बल्ब के समान ये राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा बल्ब, लेकिन ये फ्लेशी बड रहेगा, दैट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट ऑन द डिटैचमेंट फ्रॉम द प्लांट। सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ स्टेम, दिस इज बल्बिल। इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल ही पूछता है, ठीक है। तो अब स्टेम के बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ लीफ्स भी हम लोग को क्या करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो दूसरा मेथड है, दैट इज लीफ। लीफ, अब लीफ्स में कैसा, एक ही एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द ब्रायोफिलम। ब्रायो फाइलम हाँ, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का सर, अगर वीडियो अगर इसका सर स्ट्रक, इसका वीडियो हाँ भेज जी, दीजिएगा ना, है, इसका वीडियो भेज दीजिएगा ना। ठीक हाँ जी, भेज देंगे, पहले पढ़ तो लीजिए, उसके बाद आप काहे चिंता करते हैं, नहीं पढ़ने का मन है क्या? लेकिन कभी कुछ ड्रॉ मत करिएगा स्क्रीन पर। तो क्या देख रहे हैं? ये जो जी इसका लीफ है, लीफ के मार्जिन, राहुल सिन्हा नहीं,
और लीफ के मार्जिन के पास इस तरीके से यहाँ पर कुछ ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी मार्जिन है ये जो कर्व एरिया जो दिख रहा है वहां पर ये सब ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे। और यहीं से एक छोटा सा, जब ये लीफ जब तक पेड़ में है तब तक तो ये ग्रो नहीं करेगा, जैसे ही ये लीफ फॉल ऑफ हो जाएगा, लीफ जब फॉल ऑफ होगा, फॉल ऑफ हो जाएगा और लैंड को टच करेगा, टचेस द सॉइल, तब जाकर ये जितना भी स्पॉट दिख रहा है ये सब वहां से एक छोटा सा बड ग्रो करना शुरू कर देगा और एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू प्लांट डेवलप कर देगा। तो यहाँ से इधर नीचे रूट हो जाएगा, ऊपर बड बन जाएगा और वो हम लोग को प्लांट प्रोडक्शन कर देगा। एसेक्सुअल मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रूट की बात नहीं करेंगे क्योंकि रूट में बड़ा एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है, क्योंकि रूट्स में नोड्स होता ही नहीं है, इंटर नोड्स होता ही नहीं है, तो बड बनने की संभावना बहुत ही कम रहती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रूट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये एसेक्सुअल कंप्लीट हो गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ये बात बोले थे क्या चीज कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का होना ही होना है। फ्यूजन गैमेट्स नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। मतलब अब ये गैमेट्स का फ्यूजन होना है तो सबसे पहले बात तो करेंगे क्या चीज कि गैमेट बनेगा कब, बनेगा कब, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने बचपन में ही, मतलब कि जैसे ही जन्म लिए एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ टेन्योर्स होता है, कुछ पीरियड्स होता है, ठीक है। तो उस पीरियड्स को, उस फेजेस को क्या क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव थ्री फेजेस, तीन फेज होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला एक बचपन होता है, बचपन मतलब जुवेनाइल फेज, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो जुवेनाइल फेज हो गया। अब अगर यही प्लांट की बात करेंगे तो बिफोर फ्लावरिंग कोई प्लांट, जैसे गेहूं का ही अगर प्लांट देख लिया जाए तो छोटा सा बड़ा होते 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 कुछ पीरियड तक में वो बड़ा होगा, सिर्फ साइज इंक्रीज करेगा, उसके बाद फ्लावरिंग होगी। यानी बिफोर फ्लावरिंग जो फेज कहलाएगा वो कहलाएगा वेजिटेटिव फेज, ठीक है। तो ये प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज हो जाएगा इन प्लांट्स, और हम लोग एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज बोल दिए। दूसरा फेज कौन सा होगा? तो दूसरा फेज जब रिप्रोड्यूस करने लायक रहेगा, जैसे हम लोग टीन एज में आ जाते हैं, जब सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू करते हैं, गोनेट्स वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग मतलब कि वो प्रोड्यूस, स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तब उस फेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्लांट्स के लिए अलग चर्चा करेंगे और एनिमल्स के लिए अलग बात करेंगे, ठीक है। तीसरा जो फेज होता है अभी ही चर्चा करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि हम इन्हीं दोनों को हम लोग नेक्स्ट टू चैप्टर्स में पढ़ना है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन तो हम लोग को अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो आइडिया है यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। चले तो रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स के केस में अलग अलग पढ़ेंगे। वहीं पर जो थर्ड फेज है, अब क्या देखते हैं कि हम ही लोग के पॉपुलेशन में कुछ समय बाद रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ओल्ड एज में चले जाते हैं, सेनेसेंस एज में चले जाते हैं, मैच्योर अवस्था में चले जाते हैं, तो वो हो जाएगा मैच्योर, या उसको हम लोग बोल सकते हैं सेनाइल फेज बोलते हैं, सेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है, सेनाइल फेज बोलते हैं। तो उस समय भी वो रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं रहता, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, क्योंकि हम लोग को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो इसी रिप्रोडक्टिव फेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं। तो अगर
प्लांट्स का देखा जाए, प्लांट्स का अगर रिप्रोडक्टिव फेज की बात किया जाए, तो प्लांट हम लोग को दो टाइप को हम लोग को इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? तो एक प्लांट है जिसको हम लोग फ्लावर कब कब होगा उसके लाइफ टाइम में उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स और दूसरे को बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। स्पीकर बंद कर दीजिए। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनो का मतलब क्या हुआ? सिंगल, ठीक है, सिंगल हो गया। मतलब वैसा प्लांट्स जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता हो, मतलब वन टाइम फ्लावरिंग, वन टाइम या सिंगल टाइम फ्लावरिंग इन लाइफ टाइम, अपने पूरे लाइफ में एक बार फ्लावर करता हो, वैसे प्लांट्स को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है? राइस हो गया, हाँ राइस हो गया, उसके बाद वीट हो गया, और वहां पर यहाँ पर हम लोग हाँ इसको बैम्बू भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बैम्बू। लेकिन वो ये देखिए कि वो उसका अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बैम्बू के बारे में डिस्कस करें तो इसका लाइफ पीरियड लगभग 60 साल से लेकर 65 साल 70 साल तक होता है, जिसमें अपने 55 साल या 60 साल के बीच में जब आता है तब ये फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये राइस की बात कर रहे हैं या वीट की बात कर रहे हैं तो क्या देखते हैं? ये एनुअल प्लांट्स है, ये एक सेशन में ही खत्म हो जाता है, तीन मंथ में खत्म हो जाता है। लेकिन बैम्बू कौन सा है? पेरिनियल प्लांट्स है, सालों साल चल रहा है बट लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग मोनोकार्पिक। अच्छा, जब बैम्बू फ्लावर करता है तो उस समय ये होता है कि आसपास के क्षेत्र में पूरा क्या हो जाता है, एक भुखमरी वाला हालात क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये फ्लावर अट्रैक्ट करता है रोडेंट्स को, अट्रैक्ट रोडेंट्स चूहे को अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करता है तो वो आकर सारे अनाज को, सारे खेत में जो अनाज जो क्रॉप डेवलपमेंट हो रहा है सबको खा जाता है, खत्म कर देता है। तो इसके कारण यहाँ पर बहुत ही हजारडियस क्रिएट हो जाता है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अब पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि मेनी टाइम अपने लाइफ टाइम में फ्लावर करता है, मेनी टाइम्स फ्लावर, मेनी टाइम्स फ्लावर्स इन लाइफ टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पर लाइफ टाइम, एग्जांपल के तौर पर अभी आम का सीजन आ गया है। आम का सीजन ऐसा नहीं है कि अभी आम पेड़ लगाए और इस समय सीजन में आम खाए और नेक्स्ट टाइम खत्म हो गया, ये सालों साल चलते रहता है, यानी बार बार फ्लावर करता है। तो लेकिन इस पॉलीकार्पिक प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हैं जो कि सालों भर फ्लावर चलता रहता है, और कुछ कुछ प्लांट्स में सीजनली, जैसे आम के टाइम में, ऐसा नहीं कि ये दिसंबर के टाइम में भी हमको फ्लावर देते और आम मिल जाता है। तो मतलब कि इस पॉलीकार्पिक प्लांट्स को भी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाएगा पेरिनियल प्लांट्स, यानी पेरिनियल पॉलीकार्पिक प्लांट्स, पेरिनियल, और दूसरा हो जाएगा सीजनल, सीजनल। अब पेरिनियल में क्या होगा? तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि फ्लावर थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा, फ्लावर्स थ्रू आउट, थ्रू आउट द ईयर, ये सालों भर इसमें फ्लावर होते हुए रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको बोलते हैं हिबिस्कस, उसमें सालों भर फ्लावर लगते रहता है, पेरिनियल प्लांट्स है। और वहीं पर सीजनल प्लांट्स जिसमें सीजन के अनुसार फ्लावर लगता हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे हम लोग बात की मैंगो हो गया, जैक फ्रूट कटहल हो गया, यही सब जितने भी हम लोग को दिख रहा है वो सब जैक फ्रूट एक्सेट्रा बहुत सारे इसमें आने वाला है, इसलिए एक्सेट्रा डाल दे रहा। क्लियर है इतना? इतना बात क्लियर है जी? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स की बात करेंगे, बाकी इन सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन प्लांट के बारे में किस तरीके से
फ्लावर करेगा, फिर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक इसी तरीके से एनिमल के बारे में, और एनिमल में भी सिंपली ह्यूमंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वहां भी हम लोग डिटेल से डिस्क्रिप्शन देते हैं। चूंकि यहाँ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स का कुछ जो बेसिक फीचर्स है और कौन कौन सा एनिमल्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स में भी दो टाइप का एनिमल्स होता है। अब बोलिएगा एनिमल्स में तो बहुत सारा टाइप का एनिमल्स है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ब्रीडिंग के अनुसार किस तरीके से ब्रीड करेगा। तो एक जो एनिमल्स होता है वो कॉन्टिन्यूअस ब्रीड कर सकता है, कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग में ऐसा थोड़ी है कि कोई एक सीजन में ही ब्रीड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग हो गए कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सीजन के अनुसार ब्रीड करते हैं, तो उस एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे अपने ही हम लोग ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में, तो हम लोग क्या देखते हैं सालों भर ब्रीड करते रहते हैं, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। और जो फिक्स पीरियड नहीं है तो फीमेल के केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मतलब इसमें एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में कि एनिमल्स विथ क्या चीज, मेंस्ट्रुअल फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेजेस। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में हम लोग को मेंस्ट्रुअल फेजेस देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग जो बाहर निकलता है, ब्रीडिंग यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। वहीं पर सीजनल ब्रीडर्स में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा एनिमल्स एनिमल्स जी एनिमल्स हैव मोनो, अब यहाँ पर टर्म आएगा मोनोएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस एंड सीजनल पॉली, सीजनल पॉलीएस्ट्रस। ये क्या होता है अभी इस पर बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस, मोनोएस्ट्रस और पॉली सीजनल पॉलीएस्ट्रस क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सिंपली मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स, हम लोग एनिमल्स मैमल्स में ही आ रहे हैं, सबसे टॉप कैटेगरी एनिमल्स में, तो हम लोग मैमल्स की बात करते हैं। तो मैमल्स भी हम लोग को दो टाइप को देखने को मिलता है, कौन कौन सा मैमल्स, एक होता प्राइमेट है प्राइमेट्स, हाँ यस प्राइमेट्स, और दूसरा नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन सा हो गया, तो हम लोग हो गया मैन हो गया, चिंपैंजी हो गया, यही सब हो गया, चिंपैंजी हो गया, ओरंग उटैन हो गया, ये सब ओरंग उटैन, उटैन ये सब। और नॉन प्राइमेट्स में क्या हो गया, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, रैट हो गया, यही सब हो गया, एक्सेट्रा यहाँ भी ले लेते हैं। तो मतलब प्राइमेट्स में क्या हो रहा है, मैन इसमें आ रहा है, मतलब कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके पास हो जाएगा, हैव मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब प्राइमेट्स वाला कंटीन्यूअस ब्रीडर हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। चलिए अब यहाँ जो नॉन प्राइमेट्स होता है इसमें एक डिफरेंट टाइप का साइकिल चलता है। यहाँ पर हम लोगों मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो इन सभी में स्ट्रेस साइकिल चलता है। तो अब स्ट्रेस साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेस साइकिल में क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, स्ट्रेस साइकिल। और स्ट्रेस साइकिल की पहचान क्या है कि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, नो ब्लीडिंग एट ऑल। अब ब्लीडिंग नहीं होगा तो फिर से काम होगा भाई, नो ब्लीडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो ब्लीडिंग का मतलब हुआ कि इसमें जो एंडोमेट्रियम जो बनेगा, याद करिए जब हम लोग ये पढ़े थे इसमें, हाँ प्रोजेस्टेरोन, ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब लेवल बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम वॉल थिक होता है, और वही जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल टूट टूट कर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर नो ब्लीडिंग, यहाँ ब्लीडिंग नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि इंडोमेट्रियम जो वॉल है
वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, एंडोमेट्रियम विल रीअब्सॉर्ब, ठीक है। तो अब इसमें तो ब्लीडिंग होएगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि साइकिल कब चल रहा है नहीं चल रहा है, पता चलेगा नहीं चलेगा। ऐसा कभी कुत्ते को देखे हैं कि सीजन में ब्लड निकलते रहता है? नहीं, क्योंकि उसको एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इफ दे डू नॉट गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो अब अगर स्ट्रेस साइकिल की भी बात करते हैं तो ये भी तीन टाइप का स्ट्रेस साइकिल हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। कौन कौन सा भाई? तो एक को बोलते हैं मोनो स्ट्रेस, बोलते हैं मोनो स्ट्रेस। अब देखिए ऊपर वाले में हम लोग जो अभी पढ़े थे कि सीजनल ब्रीडर में एनिमल्स हैव मोनो स्ट्रेस एंड सीजनल पॉली स्ट्रेस, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेस साइकिल जो है दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स, मोनो स्ट्रेस, पॉली स्ट्रेस, पॉली स्ट्रेस एंड तीसरा है वो सीजनल, सीजनल पॉली स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, मोनो स्ट्रेस में एग्जांपल क्या है कि जैसे इसका एग्जांपल हो गया बियर, बुल, बुल एक्सेट्रा। तो अब क्या है कि इसमें एक टाइम ही, वन टाइम साइकिल इसमें कंप्लीट होगा, ठीक है, वन टाइम। जैसे अगर हम लोग बात करें वन टाइम कम, अच्छा पहले लिखने देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वन टाइम साइकिल, वन वन टाइम साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होगा पूरे सीजन में, जैसे साल भर में। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं ये महीना हो गया जनवरी का हो गया, फरवरी हो गया, इस तरीके से ये 12 महीना मान लिया कि हो गया, 12 महीना हो गया, ठीक है, ये दिसंबर हो गया। तो अब मान लिया कि किसी एक पीरियड में, एक महीने में, लेट सपोज ये जून का महीना है, साल भर में एक बार ये इसमें साइकिल शिफ्ट होगा, तो इस महीने में ये पूरे महीने भर का साइकिल क्या हो गया, इसको हम लोग बोल दिए स्ट्रेस साइकिल, ठीक है, ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है, स्ट्रेस साइकिल हो गया। और इसमें एक फेज आता है, इस पूरे महीने में भी एक फेज आता है जिसको हीटिंग फेज बोलते हैं, तो इस फेज को बायोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस फेज बोलते हैं, स्ट्रेस फेज। और स्ट्रेस फेज में ये जो इसको हीट भी कॉमनली अगर इसको हम लोग हीट बोलते हैं तो उसमें हीटिंग होती है, और मतलब हीटिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर से ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूल्स रिलीज आउट होंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक पूरे साल में कोई एक सीजन में, जिस सीजन में या जिस मंथ में चल रहा है उस मंथ को, पूरे मंथ को तो साइकिल ही बोलेंगे, स्ट्रेस साइकिल, और उसमें किसी एक दिन या चार दिन पांच दिन में एक फेज चलेगा जिसको स्ट्रेस फेज बोलते हैं, कॉमनली उसको हीट बोलते हैं, उस दौरान ओव्यूलेशन होगा, तब जाकर वो फर्टिलाइज करेगा और वो क्या करेगा, बच्चा जन्म देगा। इसका मतलब वो हो गया क्या चीज, मोनो सिंगल टाइम, तो यहाँ पर, और स्ट्रेस साइकिल तो चल ही रहा है, मतलब कि उसको साल भर में एक बार ही स्ट्रेस साइकिल चलता है, इसलिए इसको मोनो स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, या मोनो स्ट्रेस एनिमल बोलते हैं, बियर हो गया, वुल्फ हो गया, ये सब, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, पहले देख लीजिए, पहले मोनो स्ट्रेस हो गया, तो दूसरा सीजनल पॉली स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। सीजनल पॉली स्ट्रेस में क्या हो गया, जैसे लेट सपोज मान लीजिए हम लोग यहाँ पर चार चार महीने का सीजन होता है, ऐसा ही होता है ना, जैसे लेट सपोज यहाँ एक विंटर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, फिर स्प्रिंग सीजन हो गया, फिर समर हो गया, फिर ऑटम, हाँ यही होता है, ऑटम होता है। चलिए तो लेट सपोज मान लिए कि ये हमारा समर का सीजन हुआ, ठीक है, तीन चार महीने का हुआ। अब इसमें भी क्या होगा कि तीन चार इसमें महीने महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये एक समर में सीजनल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीजन मतलब पूरा सीजन भर जो तीन से चार महीने का सीजन हो रहा है उसमें हर महीने में ओव्यूलेशन होगा, हीटिंग होगा। इसमें क्या देख रहे थे कि इसमें किसी एक महीना में वो हीटिंग हुआ है, इसमें
उस सीजन में जितने भी महीने पड़ रहे हैं उसमें सब में हीटिंग होगा, और चार महीने का है तो चार अपना एक्स्ट्रा साइकिल यहाँ पर यानी फोर एक्स्ट्रा साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये पूरे जितना सीजन है उन सभी सीजन में जितने मंथ आएंगे उन सब मंथ में एक्स्ट्रा हीटिंग होगी, एक्स्ट्रा साइकिल चलेगा और वो बच्चा जन्म देगा। और एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे डॉग हो गया, डॉग में क्या देखते हैं एक सीजन में, एक सीजन में ब्रीडिंग सीजन कहलाता है, उस समय सितंबर अक्टूबर का सीजन देखिए ब्रीडिंग सीजन उन लोग का चलता है, तो उस समय वो पूरा सीजन में ब्रीडिंग ही करते रहते, ठीक है। वहीं पर जो पॉलीएस्ट्रस हो गया, अब पॉलीएस्ट्रस को समझिए, तो पॉलीएस्ट्रस में क्या हो गया कि इसमें हर महीने में जैसे ये पूरा हम एक महीने का जनवरी फरवरी फिर से बात किए, जनवरी फरवरी दिसंबर तक ये हो गया, जून ये हो गया इधर, फिर इधर दिसंबर हो गया, तो इन हर महीने में इनका पॉलीएस्ट्रस, पॉली मतलब ढेर सारा, तो हर महीने में इनका हीटिंग होगा, हर महीने में। अगर फर्टिलाइज कर गया तब क्या होगा, बच्चा जन्म देगा, और नहीं तो नहीं देगा। मतलब इसमें क्या करेंगे कि ये जो एस्ट्रस साइकिल चलेगा, साइकिल विल अकर इन एवरी मंथ। और अगर एवरी मंथ में होगा, अगर ये फर्टिलाइज करेगा, इसके पास स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा तो बच्चा जन्म देगा, और नहीं तो फिर ये फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा साइकिल का है एंडोमेट्रियम, फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे काउ, पिग एक्सेट्रा, ठीक है, ये बिल्कुल हम ही लोग के जैसा है, बट इसमें क्या है एंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन हम लोग में ब्लीडिंग होता है, इसलिए हम लोग हो गए प्राइमेट्स में हो गए और ये नॉन प्राइमेट्स में हो गए। क्लियर है बात ये? यस सर। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट्स होता है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अब देखिए कौन कौन सा इवेंट्स हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो इवेंट्स होगा प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो सकता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, तो मतलब गैमेटोजेनेसिस होगा। और ये गैमेटोजेनेसिस भी दो तरीके का होगा, मेल में और फीमेल में अलग अलग। तो मेल वाले को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में हम लोग बोलेंगे ओजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। और ये गैमेट बनेगा, तो गैमेट भी दो तरीके का बनेगा, आइसोगैमेट हो सकता है, आइसोगैमेट मतलब एक जैसा हो सकता है, और नहीं तो फिर डिफरेंट हो सकता है, जैसे तो डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग हेटरोगैमेट बोल सकते हैं। आइसोगैमेट्स किसमें हम लोग को देखने को मिल जाएगा, तो एग्जांपल के तौर पर क्लैडोफोरा हो जाएगा, और हम लोग में क्या होगा, तो ये हेटरोगैमेट्स भी दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, तो एक अगर स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट फंक्शनली डिफरेंट है तो हम लोग उसको बोलते हैं एन आइसोगैमस, ठीक है। और स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों डिफरेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओ गैमस बोल देते हैं। तो हम लोग का क्या है, मैं इसका एग्जांपल मैं नहीं, ह्यूमन बीइंग है, कैसे, तो फीमेल के केस में ओवम राउंड रहता है और नॉन मोटाइल है ये, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मेल ये लंबा थ्रेड के जैसा है और ये मोटाइल है, मतलब कि स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और फंक्शनली भी डिफरेंट है, इसलिए हम लोग ओ गैमस टाइप में गैमेट्स में आते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए एनाइसोगैमस में क्या आ जाएगा, तो फ्यूकस वगैरह आ जाएगा, इसमें बहुत सा आ जाएगा, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे उसे काम चालू करते। फिर प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट में क्या आएगा, पहले गैमेट बना तो गैमेट का ट्रांसफर भी तो होना है, तो दूसरा हो जाएगा गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर हम लोग कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।
ठीक है। दूसरा इवेंट क्या होगा, अब प्री फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा इवेंट फर्टिलाइजेशन और गैमेट्स अगर आ जाएगा तो दूसरा इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगगैमी, इसको बोलते हैं सिंगगैमी। अब ये फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा को बोलते हैं इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल में एग्जाम्पल याद रखिएगा फ्रॉग, फ्रॉग में क्या देखते हैं कि जैसे मेल फ्रॉग आया और इधर फीमेल फ्रॉग आई तो ये स्पर्म रिलीज कर देगा वाटर में, वाटर में रिलीज कर दिया ये स्पर्म, और ये अपना ओवम वाटर में रिलीज कर दिया, और ये दोनों वाटर में जाकर आपस में फ्यूज करेंगे और जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये चूंकि बॉडी के बाहर में हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर में हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हम लोग में फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब तीसरा इवेंट क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, तो उस बाद के इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि हमको बस यही खत्म करना पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जायगोट बनेगा, और जब जायगोट बनेगा तो यहाँ पर, अच्छा जायगोट बना तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर से ये बात पता चला कि ये क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है क्या चीज को, टू जनरेशन को लिंक कर रहा है, यही है ना। तो जायगोट फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि ये टू जनरेशन को लिंक कर रहा है, और जायगोट बाद में फिर एम्ब्रियो बनेगा, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में कौन कौन सा इवेंट होगा, तो सबसे पहले सेल की एनलार्जमेंट होगी, सेल डिवाइड करेगा, मतलब सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवाइड होकर एक बड़ा सा मास बनेगा, तो कुछ कुछ सेल डिफरेंशिएट भी होगा स्पेशल काम करने के लिए, मतलब सेल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पर जो एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको बोल रहे हैं उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होगा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तीन टाइप का होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये तीन टाइप का होता है, कैसे, तो एक हम लोग पढ़े हैं क्या, ओविपैरस बोलते हैं, ओविपैरस, ओविपैरस मतलब एग लेइंग मैमल्स जो भी रहेगा, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो अंडा देता ऑर्गेनिज्म उसको बोल दिए ओविपैरस, यानी जो फर्टिलाइज होने के बाद वो उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग सेल बन जाएगा, और वो एक जो बनेगा वो बाहर आकर रिलीज होगा, तो वो ओविपैरस हो जाएगा। विविपैरस में क्या होगा, विविपैरस में जो यंग वंस को ले करता है, बर्ड गिव राइज टू यंग वंस, यंग वंस जैसे ह्यूमन बींग हो गया, ह्यूमन बींग इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, हैन वगैरह, बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स में भी स्पेशली हैन लिख लीजिए क्योंकि कुछ बर्ड्स हैं जो आपको एग ले नहीं करते हैं, डग ये सब, यहाँ ह्यूमन बींग्स हो गया। अब ह्यूमन बींग्स में बात करेंगे तो यहाँ पर प्लासेंटा डेवलप होगा, यहाँ पर अगर हम लोग विविपैरस की बात करते हैं तो डेवलप प्लासेंटा, डेवलप प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या है वो हम लोग बात करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन में। और जो तीसरा टाइप का एनिमल्स होता है वो होता है ओवी वीवी पैरस, मतलब अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले फर्टिलाइज होगा, जायगोट बनेगा, अच्छा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये पहले एक बनेगा, एक बनने के बाद अब क्या होगा, एक के अंदर में ही हैचिंग, इस शरीर के अंदर में ये क्या करेगा, हैच कर जाएगा, हैच करने के बाद क्या होगा, यंग वंश बन जाएगा, यंग वंश बन गया, अब बाद में जाकर ये रिलीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले बना अंडा, एक प्रोसेस में बना अंडा, उसके बाद हैचिंग होने के बाद यंग वंश बना और उसके बाद रिलीज हुआ, तो वैसे एनिमल्स को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल दिए,
ओवीबीबी पैरस बोल दिए, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल शार्क हो गया, शार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तीन टाइप का होता है। तो हम लोग जो अब जो दो दो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बीबी पैरस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम लोग सिर्फ ह्यूमन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग को चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, तो हम लोग ह्यूमन के बारे में डिस्कस करें। और इसके बाद का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, और ये चैप्टर यहाँ पर ही होता है फिनिश। और जो भी यहाँ पर अभी और कुछ जो टर्म्स आ रहे होंगे वो कि ओवरी क्या है, फिनिकल्स क्या है, फिर स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है, इन सभी का डिस्कशन हम लोग डिटेल से सेकेंड चैप्टर में, प्लांट्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?